दोस्तों, कैसे हैं भाई? वेलकम टू अ हमें बोलो अब न्यू व्लॉग, अनदर व्लॉग, अनदर व्लॉग। टुडे इज हेडिंग टुवर्ड्स हवन। हवन का एक भाई, हवन पता नहीं किस चीज का है, मैं तो लोगों को जानता भी नहीं हूँ फिर भी जा रहा हूँ। देखो मैं इतना अच्छा क्या लग रहा हूँ, कैसे इतना अच्छा क्या लग रहा हूँ आपकी नजरों में? मैं भाई ब्लॉग में जोक नहीं मानने चाहिए ज्यादा। अच्छा, जोक तो मानने चाहिए ब्लॉग में, ज्यादा जोक नहीं मानने चाहिए। अच्छा मैं ये भाई गाड़ी वाला ये कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा इसके, मैं छोटा होके गाड़ी पी लूंगा। ये हो जाएगी इसकी टार्जन है, निकल जाएगी बीच में से। फिर कट रहा है इधर को, फोन में लग रहा होगा जरूर। फोन में तो हम भी लग रहे हैं, हम तो ना कट रहे कहीं। देखिए CS01 बीवी बीवी गाड़ी है इसकी, अलू यादव की हुआ है HR26 EV। तेज बोल, भयानक नहीं भयानक क्या, भयानक कहा उसमें? फैन फॉलोइंग है बंदे की भाई। मतलब क्या हुआ था कि उसके जैसे वो वहां गया था मीटअप के लिए, देख ग्रीन के अंदर कूद के निकल रहा है। मतलब जब से खड़ा हुआ है, जैसे ग्रीन हुई है तब चलने लग रहा है। बिरला ऑडिटोरियम है कोई वहां पे जयपुर में? हां वहां पे गया था कल वो। अच्छा ठीक है, तो उस बंदे आ गए, उसके सारे जो फैन थे, तो मतलब उसको इतने बच के जाना पड़ा कि वॉशरूम में छुपा एक घंटे वो, और गेट मतलब बंद कर रहे हैं 3-4 लोग, बाथरूम फिर वो बिल्डिंग में जैसे होती है ना आगे स्लैब निकली होती है, उसमें चढ़ के दूसरे रूम में गया है बाथरूम में से, वहां से फिर लिफ्ट में गया, लिफ्ट में से फिर चुप टी-शर्ट चेंज करके बाहर आया। तो वही, लेकिन जब मिलते होंगे लोग तो कहते हैं यू ही है, बस। और फिर क्या हुआ कि उसका फिर शाम को मीटअप था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे क्या लोगों ने पहले से पहुंच गया वहाँ पे सब, तो जो बड़े प्रशासन के थे DSP वगैरह या फिर जो बड़े बड़े थे पॉलिटिक्स में, उन्होंने पहले फोन कर दिया कि अपनी स्टोरी डिलीट करो और यहाँ से चले जाओ सीधा, अगर यहाँ रुके तो तुम्हारे पर कार्रवाई होगी सीधी, कर देंगे वो बिल्कुल। क्या बोलते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। 150-200 पुलिस वाले आर्मी की वो, और वो जो दंगा रोकने के लिए वाहन होता है वो अलग से, सब चीज़ आई हुई थी। फिर वो निकला वहाँ से, वो फिर उसमें से सनरूफ में से बाहर निकला, हेलो करके सबसे सीधा चला गया, रुका नहीं वहाँ पे। मारते बहुत पुलिस वाले उसे, अगर हाथ चढ़ जाता उनके ना, अगर ये नहीं मानता तो। हाँ बढ़िया ढूंढते हो, सारे ब्लॉग निकाल देते इसके। पर भाई है भैया दम है बंदे में। तो चलो भाई अपना अब पहुँच रहे हैं हम हवन में, जो भैया ने अभी बताया। भैया को नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम छुप ले जा रहे हैं भैया को बस, क्यों ही जा देख लेना क्या है कैसे है, क्या पता सरप्राइज निकले कुछ और क्या सोच रहा हूँ और क्या सरप्राइज निकलेगा, क्या निकले बीड़ी की फैक्ट्री में ले जा रहे हो काम कराने को? सिगरेट की मिल जाएंगे भैया, सिगरेट की मिल जाएगा, कहीं ले जाओ काम करवाने को, चल बनाई से आज ही कहाँ हमारे सिगरेट की पैकेट भी होती तो हम आज तक रही ना होते। ये बात तो सही है, फिर ब्लॉग बनानी थोड़ी देर थी हम, फिर दुनिया बना रही होती हमारी ब्लॉग। देखो ये हिमांशु शर्मा हो गए, 12 विशिष्ट हो गए, बड़ा भाई टैक्सी या क्या चैन आई हुई थी ऐसे अड़ है जैसे गाड़ी लेके चल रहा है ना, ऐसे एड्रेस है गाड़ी हो इसके पास। तेरे का तो बढ़िया मणि है तेरे, मैं नाती पुरवा से तू भी ऐसे जाते। तो चलो भाई अपने पहुंचे, सो अपना यहाँ पे आ चुके हैं, मणि बैठी है देखते ही स्माइल करता है, और सामने हवन चल रहा है तो उस हम अभी सामग्री डाल के आ गए, फिर हम यहाँ के बैठे हैं भाई। हाँ तो अभी भैया तो नीचे थे, अभी कुछ उनको फोन वोन बात करनी थी, तो उनको चलो ठीक है कोई नहीं, आप आ जाना आराम से, आओ हम हवन को। ये देखो हमारे घर के ये बैठे। अरे भाई कुछ ज़्यादा जूम हो रहा हो, नीचे फंक्शन हो रहा है उनको, हवन वन हो रहा है, यहाँ हमारे घर के देख क्या मौज मार रहे कूलर बैठे ऊपर।
एक ही हमारी पूर्वा दीदी को आया। नमस्ते जी भैया उठे पक्के वैसे तू बहुत बोला है कैमरा ऑन होते तेरे चुप हो जा चेन चबीला सर जी घर से क्या लूट लाई सर जी मुझे तो पसंद आ रहे मैं ही ले जाऊंगी ना सर जी ले जा भैया अब कहा गया था कहते सामने वाला आदमी बेच रहा मैं तो भाई अपना गाय निकल चुके हैं अपने अरे भैया पूर्वा गेट में से कूद के वहां से खोलना पड़ेगा तेरे को अरे लूट के लाई जबरदस्ती बड़प्पन है बड़प्पन तो कहने वाली बात है बस अब वहीं टिक जा तू तो अपना निकल लिए हैं घर के लिए हम खाने वाले गेट खोल दिए और अभी पूरा के एक ड्रेस लेनी है स्कूल की यूनिफॉर्म तो उसके लिए जाएंगे अभी 3 सेक्टर फिर घर के लिए निकलेंगे भैया अभी आ रहे हैं थोड़ा काम के लिए रुके हुए हैं क्या करें बड़े लोग हैं ना तुम्हारे तरह थोड़ी हैं गरीब लोग कहीं कहीं से सूट वूट मांग के ले आते हैं कहाँ कहाँ से गरीब एक ही कपड़े गरीब एक ही कपड़े रोज पहनते हैं हमारे कपड़े तो ऐसे हैं कि पहनते भी नहीं हैं हमारे कपड़े तो ऐसे हैं कि एक बार पहन लेना दूसरी बार उस कपड़े को पहनते नहीं है ऐसा मत ये ओ ये मैंने पहले थोड़ी पहनी थी जी शर्ट दूसरी ये दूसरी है मेरी अच्छा गर्ल्स गर्ल्स कमेंट्स करना इसको बताना कि जरा कैसा कपड़ा है ऐसे ना कपड़ा ये आजकल बिहारी साथ रहने लगी बहुत ज्यादा कपड़ा क्या कह रही है अभी आते टाइम कौन जब घर से निकले थे क्या कह रही थी और भाई प्रधानमंत्री हाथ दिखा गए ऐसे बड़ मजे आ गए हम तो 20 करोड़ में खड़े होंगे और बताओ पूरा पीछे देखियो आवाज आ जाता बता दियो मैंने ओह सनी मणि की हेयर स्टाइल देख लिया मैंने कैमरा में अपना तो भैया कहाँ रहे भाई एक तो भैया बहुत टाइम लगा मैं कहीं भी जा रहे थे हम सारे आगे भैया अभी तक वहीं से मिल मिलाप कर रहे हैं ये तो वही है ना सर के घर बैठे हाँ तो भगा दे ना ये भी भैया तरह होंगे सीधा कर दिया है अब ठीक है अपनी तरफ कर लियो सीधा ओ सीधा यही हो थोड़ी देर सीधा कर दो फिर ये हवा वाले भी मणि कौन सा गाना गा रही तो गई हो अंदर है का हाँ आगे फिर मैं यहाँ से कह रहा हूँ आगे तो सार के सामने सो गाइस अपना घर आ चुके हैं दिखो अपना घर आ चुके हैं घर आके हम सो गए थे मणि भी थक गई मैं भी थक गया क्योंकि हमने आज पूरी बनवाई ना सर के हम तो करवाया सब रो झाड़ गए कोई ना भैया तुम्हारी तुम्हारा बालक हुआ छोरा वो भी मतलब ठीक है तुम्हारी हमारी मजबूरी है तो अपना घर आ गए फिर रेस्ट वेस्ट करके आप बैठे हैं आराम से संडे पर बात करके भैया
कल तो फिर हमने काम किया। ओ तू ही गई, हम तो कहीं ना कहीं तेरे को पढ़ा ली वाला। छोड़ो तो अपना आ चुके घर, मौज मस्ती मारी है भैया, देखते हैं कह तो रहे हैं हम, मतलब भैया की